दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसकी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि सभी लोगों को ये जरूरी मैसेज मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 2018 में जिन भी शहरों के नाम परिवर्तित हुए, चेंज हुए हैं, जिन शहरों के नाम बदल गए हैं, तो इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से आप समझ लीजिए कि 102 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, SSC, बैंक, रेलवे, PSC, पुलिस, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, इसे आप पूरे वीडियो को देख लीजिए। आपका सभी मैं कवर कर दूंगा, जितने भी नाम चेंज हुए हैं अभी हाल ही में, ठीक है। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की डेली एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। पहला जो है इलाहाबाद का नया नाम, आप सबको पता है प्रयागराज हो गया है, ठीक है। इलाहाबाद का नया नाम जो है योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज, पहले था इलाहाबाद। अगला जो है दोस्तों, फैज़ाबाद का नया नाम क्या हो गया है, ये हो गया अयोध्या, ठीक है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने फैज़ाबाद का नया नाम बदल दिया है अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। नेक्स्ट है नया रायपुर का नया नाम क्या हो गया है, तो ये हो गया अटल नगर, ठीक है। नया रायपुर का जो नया नाम बदल के अभी हाल ही में हो गया है अटल नगर हो गया है, ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह वहाँ के जो छत्तीसगढ़ के CM हैं, उन्होंने नया रायपुर का नया नाम अटल नगर कर दिया है। अगला देख लेते हैं, हजरतगंज चौराहे का नया नाम क्या हो गया है, तो ये हो गया अटल चौक, ठीक है। हजरतगंज चौराहे का नया नाम हो गया है अटल चौक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या हो गया, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम हो गया दोस्तों अटल पथ, ठीक है, अटल पथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल पथ। नेक्स्ट दोस्तों, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट दोस्तों, शिमला का नया नाम क्या हो गया है, शिमला का नया नाम प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं, श्यामला हो गया प्रस्तावित, ठीक है। शिमला का नया नाम प्रस्तावित है, श्यामला होने वाला है ये। अगला देख लेते हैं, अहमदाबाद का नया नाम क्या प्रस्तावित है, कर्णावती, ठीक है। अहमदाबाद का नया नाम जो प्रस्तावित दोस्तों वो कर्णावती प्रस्तावित है। फिर नेक्स्ट है आगरा एयरपोर्ट का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। अगला दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नया नाम ये हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव का नया नाम क्या हो गया, ये हो गया गुरुग्राम, ठीक है। गुड़गांव का नया नाम हो गया है गुरुग्राम, ठीक है। गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये थे अभी हाल ही में बदले हुए कुछ शहरों के इंपॉर्टेंट नाम। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम यदि आपके पास नहीं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए टेलीग्राम, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिदिन हमारे वीडियो क्लास होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे। अगर आप इसे लगातार देखना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे वेबसाइट को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन दबा दो, लाइक बटन को दबाओ और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज़ करते हो शेयर करो ताकि सब तक ये जानकारी फ्री में पहुँच सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो, जैसे टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कैसे भरना समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में लिखो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको संपर्क करके आपकी सहायता ज़रूर 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 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो भी GK करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, ये सब का जो बना रखा है नोट्स वगैरह, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, वेबसाइट पर डाल रखा है, जैसे कि एक्सपर्ट टीचर ने बनाया है, सबका लिंक वीडियो के नीचे वर्णन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है या ऊपर कोने में आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो डेली 2-4 वीडियो हमारे वेबसाइट से देखो, वेबसाइट से पढ़ो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।